जैसे हम जानते हैं कि इंडिया ने जो अपने NDC 2030 के जो गोल रखे हैं उसमें उन्होंने कमिटमेंट किया है कि 50% जो कैपेसिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी। उसके लिए जो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए वो कम से कम 120 to 140 बिलियन US डॉलर्स हर वर्ष की आवश्यकता है, और जो अभी सस्टेनेबल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रही है वो 40 to 45 बिलियन US डॉलर्स है। तो गैप बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ हमें ये भी इंश्योर करना है कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है वो जस्ट और इक्विटेबल हो। तो उसके लिए हमें कोल फेज आउट वाले जो स्टेट्स हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करना है। IEA ने भी रिपोर्ट निकाली कि अगर हमें 1.5 डिग्री वाले टेम्परेचर तक अगर कंटेन करने हैं ग्लोबल टेम्परेचर, उसके लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना चाहिए और एनर्जी एफिशिएंसी को 2 गुना बढ़ाना पड़ेगा प्रति वर्ष, ताकि हम अपने नेट जीरो के टारगेट को पूरा कर सकें। नॉट ओनली कि रिन्यूएबल एनर्जी में, बट उसके लिए हमें ग्रिड एक्सपेंशन बहुत करनी पड़ेगी। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको एनर्जी ट्रांजिशन के तो गोल दिए गए हैं, बट उनके आगे एक और जो प्रॉब्लम है उनकी ग्रोइंग पॉपुलेशन, और जिस तरीके से वो ग्रोथ एनवेसाज कर रहे हैं उसका मतलब है उनकी एनर्जी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होगी डेवलप्ड वर्ल्ड से। अगर हम चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट करें, उसके लिए उन्हें लो कंसेशनल फाइनेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो लो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी बहुत डेट के अंदर हैं, और ये इन्वेस्टमेंट उनको जो आवश्यकता है वो है कंसेशनल फाइनेंस, चाहे वो डेट फाइनेंसिंग से आए, लॉन्ग टर्म कंसेशनल फाइनेंसेस से आए, गारंटी से आए। ये सब हेल्प करेंगी ना कि इंडिया को, बट सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको, और इंडिया को इसी चीज़ को आई थिंक COP28 में वो एम्फेसाइज करेगी।